सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, और जिन लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन करा है तो उनके लिए रिपीट कर दूं कि आपको, क्योंकि ये एवरीथिंग अबाउट मार्केट्स आज का टॉपिक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो मार्केट्स रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है आप हमारी जो पिन ट्वीट है उसके नीचे आप कमेंट में कमेंट करिए, हम वहां से आपका क्वेश्चन देंगे। और थैंक यू आप सबका आने के लिए, ये हमारे आपके संडे स्पेशल को आई एम श्योर ये सेशन जो है और स्पेशल बनाएगा। तो आज हमारे साथ हमारे स्पीकर्स हैं मार्केट साइंटिस्ट सर और क्यूरियस शुभम सर। सो नाउ अभी जो है करंटली तो हम शुरू करेंगे कि अभी मार्केट क्या लगता है, मतलब ऑन टेक्निकल फंडामेंटल, तो ओवर टू स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट सर, सर आपका क्या राय है सर, अभी क्या लगता है आपको मार्केट? हेलो या सो गुड इवनिंग हेमंत एंड यू नो गुड इवनिंग टू एवरीवन इन दिस स्पेस एंड आई गेस मार्केट का यू नो ओवरऑल व्यू जो है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है बिकॉज जो भी यू नो क्यू मतलब की लेवल्स हैं उसके तो नीचे ही बंद हुआ है राइट अगर मैं निफ्टी की बात करूं इवन स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो की जोन थे उससे नीचे बंद हुआ है बट अच्छी बात यह है कि यू नो 100 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है तो ऑल इन ऑल जो मार्केट डेप्थ है अभी वो उसका स्ट्रक्चर वीक है ये आप बोल सकते हो जैसे मैंने पहले बोला था कि वी वुड बी नीडिंग ए कंसोलिडेशन यू नो इन द मार्केट जो यू नो 15 जनवरी से मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली कम्युनिटी में मैंने बोला कि मार्केट बड़ा ओवर बाउट है राइट एंड बहुत ज्यादा यूफोरिया या कह सकते हो फ्रोथ जो है वो क्रिएट हो गया था अक्रॉस द बोर्ड तो उसको थोड़ा कम होने की जरूरत है और उसके लिए दो टाइप की करेक्शन होती है एक होती है प्राइस करेक्शन एक होती है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन में तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं अक्टूबर से लेकिन प्राइस करेक्शन अभी भी हुई नहीं है मतलब अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं सेक्टर्स में काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे प्राइस करेक्शन हुआ ही नहीं है तो मार्केट वो मोड में है कि भाई जो भी सेक्टर तो प्राइस करेक्शन का कंसेप्ट होता क्या है कि कभी भी टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन होएगा या करेक्शन होएगा तो वो पे जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा चल गए हैं वहां पे आपको टाइम प्राइस दोनों करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा नंबर वन। नंबर टू जो सेक्टर नहीं चले हैं और लीड कर सकते हैं अच्छा चलने वाले हैं वहां पे प्राइस करेक्शन भी कम देखने को मिलेगा और टाइम करेक्शन भी कम देखने को मिलेगा बिकॉज वो ऑलरेडी एक टाइम बिता चुके हैं। अब जैसे मैं बात करूं एजुकेशनल स्टॉक्स की या जो यू नो मीडिया से रिलेटेड स्टॉक्स है तो उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा यू नो टाइम एंड प्राइस करेक्शन हो गया है मेरा मानना ये है 2020 में हुआ है 21 में हुआ है तो शायद हो सकता है कि 2021 में सॉरी 2022 में आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। सेम इंफ्रा का है इंफ्रा में बहुत तगड़ा टाइम प्राइस करेक्शन चल रहा था बहुत लंबे वाला तो वो ऑलरेडी आई गेस 2020 में खत्म हो गया 21 में वो स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद अभी तो मेरे को लग रहा है कि वो 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है राइट जो उसका पूरा मतलब राइस की अगर मैं बात करूंगा कैपिटल गुड्स हो या इंफ्रा हो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं तो सेक्टोरियली आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका टाइम एंड प्राइस करेक्शन लंबे टाइम से चल रहा था और 21 में पूरा हो वो लोग नया चाल देना शुरू किए हैं पिछले 6 महीने से लेकिन काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 2022 में अच्छे खासे प्राइस एज वेल एज टाइम करेक्शन पे जा सकते हैं। आईटी उसमें से एक है फार्मा में बोल ही रहा हूँ 2-3 महीना से राइट एफएमसीजी हो सकता है पर सिलेक्टिव आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा राइट तो ऑल इन ऑल मार्केट जो अभी साइन दे रहा है बजट से पहले उसमें हम लोग ये कह नहीं सकते हैं कि बजट में क्या होगा और उससे मार्केट कितना चल जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना यही है कि की लेवल के नीचे है अगर हम लोग की लेवल के ऊपर होते तो मानते कि बजट से एक्सपेक्टेशन जो है वो यू नो कम है या कह सकते हो कि वो है। अभी तो ये लगा लो कि ग्लोबल क्यूज को देखते हुए बजट से एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा हाई बढ़ गया बिकॉज अगर बजट में कुछ ज्यादा खास नहीं आया मैं बार बार इस शब्द को बात यूज करूंगा ज्यादा खास मतलब इंडिविजुअल टैक्स फ्रंट पे या यू नो टैक्स फ्रंट पे कुछ भी या ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों पे ज्यादा खास नहीं आया कि भाई अगले साल हम लोग क्या लेआउट प्लान कर रहा है सरकार तो मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बिकॉज डोमेस्टिक सेंटिमेंट हालांकि ठीक है बट ग्लोबल सेंटिमेंट इतने ठीक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हम आगे बात करेंगे इस चीज पे
तो ऑल इन ऑल मार्केट इज न्यूट्रल टू नेगेटिव फॉर मी अनटिल अनलेस मार्केट निफ्टी की अगर मैं बात करूं कि वो 17,600 के ऊपर सेटल होना शुरू करे। जब तक वो नहीं करता है उसके ऊपर, तब तक मैं मानूंगा कि ये जो राइस आ रहा है करेक्टिव राइस है या पुल बैक है, कुछ भी बोल लो आप, राइट। और अगर मार्केट अगर ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा और मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, तो उसमें आपको सेक्टर स्पेसिफिक चाल देखने को मिलेगी। ज्यादातर सेक्टर्स आपको टाइम प्राइस करेक्शन देते हुए मिलेंगे। कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे अर्निंग का टेलविंड है बहुत बड़ा, अब वो मीडिया टेक्सटाइल हो या सेमीकंडक्टर हो या इंफ्रा कैपिटल गुड्स हो, कुछ भी हो, वहां पे हो सकता है कि स्टॉक थोड़े ठीक करते हुए मिलेंगे। मतलब अगर मार्केट चलेगा तो ज्यादा चलेंगे, गिरेगा तो कम गिरेंगे, ये हो सकता है। तो ऑल इन ऑल शॉर्ट टर्म अगर व्यू की मैं बात करूं तो न्यूट्रल तो नेगेटिव है रादर देन कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव तभी होगा जब बजट में कुछ खास, बहुत कुछ खास आता है और मार्केट धीरे धीरे 17,600 एक कम से कम लेवल है जिसके ऊपर सेटल हो मार्केट। उसके बाद मेरा मानना ये है कि बजट में कुछ ज्यादा खास हुआ मार्केट लगा, तो मार्केट आपको बजट वाले वीक में 18,000 के ऊपर क्लोज देता हुआ देखेगा। तो मार्केट अगर 18,000 के ऊपर क्लोज देता है, इट मीन्स बजट में कुछ खास है और मार्केट उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट ईयर को, राइट। बशर्ता आपके ग्लोबल क्यूज जो है वो पॉजिटिव रहने जरूरी है, न्यूट्रल रहने जरूरी है। नेगेटिव होना वहां पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, राइट, बिकॉज विक्स सब जगह बढ़ रखी है तो थोड़ा वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा। तो ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा कम करिए, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को तलाशिए, मैं तो ये बोलूंगा। ओ टू हिम्मत। सर थैंक यू सर ये समराइज करने के लिए। और सर आपने एकदम 18,200 के आसपास ही सर आपने क्वेश्चन दिया था सर। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि नो कि आप मतलब कम्युनिटी के बारे में आप बोलते हो, तो सर मैं तो मेंबर ही हूँ, बट इस बार जो है सर मैं चाहूंगा कि आप ही अपनी कम्युनिटी को सर आप इंट्रोड्यूस करिए, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि सर ऐसा एक्सक्लूसिव क्या होता है ये एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज में, इसके बारे में सर आप थोड़ा बताइए। एक्सक्लूसिव यही होता है कि देखो, मतलब बट कम्युनिटी मींस मतलब इट्स ए काइंड ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट अपने शेयर करने की कोशिश करते हैं। इट कुड बी माय ट्रेड्स, इट कुड बी एनी एनालिसिस ऑन द मार्केट, इट कुड बी एनी फर्दर थिंग, राइट, कि मीडियम टर्म में क्या स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं कंपनी विद रैशनल एंड ऑल। तो वहां पे ये होता है कि मतलब माई वे ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग और मतलब जो भी मैंने सीखा है या जो भी चीजें हैं, वट एवर ट्रेड्स आई एम टेकिंग और वट फॉर यू नो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और क्यों और क्या चीजें हैं। और एक हमारा जो कनेक्ट है वो रहता है, तो एक तो पर्पस वो है कि कनेक्ट रहे लोगों का। दूसरा है कि वेरी वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वेबिनार्स एज वेल, राइट। तो जो भी कम्युनिटी में लोग हैं तो उनके साथ हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करेंगे थ्रू वेबिनार्स। तो हर क्वार्टर में एक या दो वेबिनार्स करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग भी वो चीज को सीख सके, है ना, कि स्टॉक को पिक करना है तो क्या क्या कैसे पिक करना है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म क्या उसका यू नो एग्जिट ट्रिगर रखना है। लोग स्टॉप लॉस की बातें करते हैं, स्टॉप लॉस सबसे मेंटेन होता नहीं है, लेकिन एग्जिट ट्रिगर क्या रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है ना। और अगर स्टॉक चल जाता है तो वहां पे आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट की तो मैं बात ही करूंगा, टारगेट रखना भी नहीं चाहिए। यू नेवर नो कि आपने 100 पे स्टॉक लिया और आप बोलो 110 आ जाएगा, पता लगा वो 120 आ गया, तो क्या करोगे आप? तो लोग बेचते नहीं है, बोलते हैं यार नहीं, ये तो टारगेट से ऊपर आ गया, उसको बेचना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे यू नो पूरी ट्रेडिंग या मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी को राइड करना है, उस पर हम लोग वेबिनार करेंगे और लगातार करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में किया और छोड़ दिया, तो वो आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी वहां पे हो सकती है। अगर आपको सीखना है अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि कैसे यू नो टेक्नो फंडा वे में आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं या राइड कर सकते हैं और क्या आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो वो है। प्लस स्पेसिफिक अगर लोग मैसेज, काफी लोग मैसेज करते हैं मेरे को, जहां तक मेरे को ध्यान है डेली कम से कम 4 या 5 लोग का मैसेज मेरे को कम से कम आता ही है अलग अलग लोगों का। वहां पे हो सकता है कि आपके कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो कम्युनिटी का पर्पस यही है कि आपका हेल्प किया जाए आपकी जर्नी में, राइट, कहीं ना कहीं, राइट, रादर देन कि
आपको सिर्फ एक ये बता दिया कि हाँ ये मैंने ट्रेड लिया और ये एग्जिट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका हेल्प किया जाए वहां पे, राइट? और हेल्प कब होएगा, जब हम लोग इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, क्या क्या है क्या नहीं है, राइट? हो सकता है कुछ डाउट्स क्रिएट हों कि कब कब लिया, कब छोड़ दिया, उसका इसका रीजन क्या है। तो वो जब हम वेबिनार करेंगे अभी कुछ 10-15 दिन में, या अपने प्रॉब्ली 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी, तब क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो मोर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट कम्युनिटी टू एड्रेस लार्जर पीपल और लार्जर पूल ऑफ पीपल, कि कहीं ना कहीं वो लोग भी सीख सकें ये प्रयास से। मेरा तो यही है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज माई सोशल गोल, राइट? नहीं तो मेरा कोई कम्युनिटी है नहीं और इसके अलावा, राइट? तो एक सोशल गोल है, एंड बिकॉज टाइम इज इन्वेस्टेड, तो अगर टाइम इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सीखने का मौका मिलना चाहिए। सो ऑल द पीपल हु आर डेस्परेटली विलिंग टू लर्न, किसने बोला ना कि नो बडी कैन हेल्प यू इफ यू डोंट वॉन्ट टू लर्न, राइट? एंड नो बडी कैन स्टॉप यू इफ यू आर डेस्परेटली वॉन्ट टू लर्न। तो वो वाली बात है, जो सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, हमारे साथ, वो लोग इसका मेंबर बन सकते हैं। बाकी तो सीखने का कोई अपना लिमिट नहीं है, आप कह सकते हो। तो उसके लिए कम्युनिटी पूरा क्रिएट किया है, एंड थैंक यू टू कॉस्मोफीट फॉर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म, की लोग उसमें आ सकें और जुड़ सकें। तो एक एजुकेशनल ग्रुप है अपना, हमारा, और जिसमें लोग सीखते भी हैं और ग्रो भी करते हैं। सो यू कैन से देयर यू कैन लर्न बेटर एंड ग्रो बेटर। सर थैंक यू सर, सर आपकी कम्युनिटी के बारे में सर बताने के लिए, और सर मैं तो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो सर मेरी तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में, और स्पेसिफिकली जो मार्केट साइकोलॉजी होती है उसमें सर मैंने तो काफी कुछ सीखा है। सो सर थैंक यू फॉर दिस। सर हमारे जो दूसरे स्पीकर है सर शुभम सर, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो सर तब तक एक हमारे पास सर एक क्वेश्चन आया है, जो कि आप ये थीम बड़े डिस्कस करते हो सर, एग्री थीम, तो क्योंकि जो बजट है और जो पिछले 1.5 साल से जो फार्मर्स का चले आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बजट और इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा फार्मर स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा कर दे, तो एग्री थीम में सर कौन से ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो बजट थीम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? मतलब ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा। ऐसा होगा कि आपको एग्री थीम पे काफी अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, 2020 से मैं बोल रहा हूँ, इवन इफ यू नो, बिकॉज यू नो मी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, सबसे पहले एग्री थीम का ऐलान अगर किसी ने किया था तो ये मतलब स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के हैंडल ने ही किया था कि एग्री थीम होती क्या है और क्या ग्राउंड उसका पूरा एग्जिस्टेंस है। बिकॉज अल्टीमेटली फॉर एग्री थीम यू नीड ए मतलब इन डेप्थ डिटेल ऑफ ग्राउंड, कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है अलग अलग वर्टिकल में। जैसे एग्री थीम में अगर मैं बात करूंगा तो फर्टिलाइजर अलग आता है उसमें, फिर आपका पेस्टिसाइड और ये हर्बिसाइड और बायो मैन्योर अलग आता है आपका, है ना? और उसमें सीड्स का अलग सेगमेंट है, आप क्या सीड्स बोओगे, फिर वो सीड्स बड़ा होएगा उसमें क्या पेस्टिसाइड हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड आप डालोगे, फर्टिलाइजर क्या डालोगे प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ऐसे करके बहुत बड़ा सेगमेंट है, और हमारी क्योंकि अभी भी 65% के करीब आबादी गांव में है और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि वो कर क्या रही है। तो एग्री थीम को तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे, इस थीम को टच नहीं करोगे, तो लार्जर कम्युनिटी को आप एड्रेस नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस 6,000 स्कीम इन ईयर, जो हम लोग 6,000 रुपए देते हैं किसानों को, जिसमें शायद 7 से 8 करोड़ या 9 करोड़ के करीब किसानों को हर क्वार्टर में पैसा जाता है 2,000 रुपया, राइट? जिससे जनरली अगर देखोगे तो आज से 3-4 साल पहले ये नहीं जा रहा था, अब जा रहा है तो उससे फायदा क्या होगा? समहाउ उनका बीज का खर्चा, पेस्टिसाइड का खर्चा, कुछ भी लगा लो आप, या कल्टीवेशन का खर्चा, उससे निकल जाता है, एक एड है आप ये बोल सकते हो फॉर फार्मर्स, राइट? तो मेरा मानना ये है कि एग्री थीम में आपको ये बजट में नहीं, पिछले बजट में नहीं, उससे पिछले बजट में नहीं, हर बजट में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बिकॉज विदाउट दैट रूरल इंडिया और रूरल इकोनमी आप ग्रो नहीं कर सकते हो। अमेरिका ने, यूएस ने कैसे ग्रो किया? ऐसे तो ग्रो किया ना अमेरिका, यूएस का आप 1980 में आप देखिए हालत क्या था,
और आज हालत देखिए कि अमेरिका का जो आपका रूरल इकोनॉमी है या उनका पूरा एग्री इकोनॉमी कितना ग्रो किया है, तभी तो बड़ा इकोनॉमी बना है वो लोग, राइट। तो उसी तर्ज पे आपको ग्रो करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप बहुत सारे इंसेंटिव्स दो और बहुत सारा सपोर्ट करो और वो सारी करो, बिकॉज अल्टीमेटली उसके बाद ही चीजें पॉसिबल हो, अल्टीमेटली, राइट। और दूसरा, जियोपॉलिटिकली जैसे हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, आगे भी करेंगे इसी स्पेस में, कि कैसे फूड का शॉर्टेज जो है वो बड़ा इश्यू बन सकता है, हो सकता है आगे, जैसे रशिया यूक्रेन और ये सब लोग इसमें आपस में उलझ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपको अच्छा खासा एलोकेशन एग्री थीम में देखने को मिलेगा, एग्री, डिफेंस, रेलवेज और इंफ्रा, ये में तो आपको कंटिन्यूसली वो चाहिए, और आज से नहीं चाहिए, ये पहले भी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करेंगे। ओके सर, सर थैंक यू आपका एग्री थीम पे सर व्यू बताने के लिए। सर मुझे ना अभी से काफी लोगों की सर रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे ट्विन पिन ट्वीट के नीचे आप कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चंस वहां से जरूर लेंगे। और अभी हमारे दूसरे स्पीकर हमारे शुभम सर इज बैक, सो वेलकम शुभम सर, वेलकम टू द स्पेस, थैंक यू फॉर कमिंग इन सर। सर तो अभी सर आपका व्यू हमें बताइए सर, आपको हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हेमंत फॉर अरेंजिंग दिस स्पेस एंड इनवाइटिंग मी एज अ होस्ट हियर। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड अबाउट मार्केट, सो करंटली वी कैन सी दैट मार्केट इज इन वन रेंज बाउंड मार्केट। दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, बट द रेंज इज क्वाइट ह्यूज एंड विच इज वाई द वोलेटिलिटी इज क्वाइट ह्यूज इन द मार्केट। And which is why only thing that is hitting upper circuit in this market is VIX. So volatility index is hitting upper circuit and elsewhere anything is hitting lower circuit. So यहाँ पर broadly अगर बात करें forming upcoming few months, तो यहाँ पर market का एक range हो सकता है कि 16,000 टू 18,500 का, ये एक रेंज हो सकता है ब्रॉड रेंज मार्केट का, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर या फिर सितंबर एंड से मार्केट में ये करेक्शन चल रहा है, और तभी से मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा है। 18,600 एक लेवल था, उस लेवल के बाद से मार्केट में जो करेक्शन शुरू हुआ तभी से मार्केट एक रेंज में चल रहा है। 16,400 से 18,300 एक रेंज बना है और उसी में अभी मार्केट चल रहा है। तो आने वाले कुछ मंथ्स में भी यही हो सकता है, क्योंकि देखो मार्केट ने लास्ट 1 ईयर में काफी रिटर्न्स दिए हैं, काफी बड़ी रैली भी दिखाई है। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कंपनीज का, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो गया अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जस्टिफाई होना चाहिए मार्केट में, और जब तक वो जस्टिफाई नहीं होगा तब तक मार्केट में ये करेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन फेज चलता रहेगा। और जब फिर से फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएंगे या फिर वहां पर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं चीप लेवल पर आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट उस रेंज से एक रिबाउंड दिखा सकता है, एंड वी कैन एक्चुअली सी सम लाइक ब्रेकआउट फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज माय ब्रॉडर व्यू ऑन द मार्केट। एंड इफ यू कंसिडर द बजट सेशन, देन वी कैन से कि अगर बजट का सेशन इन्वेस्टर्स के फेवर में आता है, बिजनेस के फेवर में आता है, तो मतलब तभी मार्केट में कुछ हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड दैट इम्पैक्ट कैन बी लाइक इट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बजट, बट अगर बजट इज क्वाइट गुड देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल रिबाउंड वेरी शार्पली एज वी हैव सीन इन लास्ट ईयर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डू नॉट रिएक्ट मच इन पॉजिटिव वे इन द मार्केट ऑन बजट सेशन, बट इफ इट इज बजट इज क्वाइट अमेजिंग आउटस्टैंडिंग देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस 18,000 लेवल एटलीस्ट आफ्टर बजट इन द मार्केट। बट अगर अभी मार्केट पहले से ही वीक है एंड लाइक उसके ऊपर अगर मार्केट बजट खराब आता है मार्केट में, लाइक अप टू द मार्क नहीं आता, क्योंकि अभी देखो कोविड के वजह से या फिर बाकी ग्लोबल फैक्टर्स है, तो इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा है अभी मार्केट में, काफी इंक्रीज हो रहा है वो, तो उन फैक्टर्स में अगर बिजनेस को एक अच्छा बजट सपोर्टिव बजट आ जाता है, तब तो मार्केट में
एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसे वीक मार्केट में एक लाइक एवरेज बजट या फिर बिलो एवरेज बजट आता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक अगेन ह्यूज करेक्शन इन द मार्केट, एंड वी कैन नॉट डिनाई 16,000 लेवल इन द मार्केट। ओके सर, सर थैंक यू फॉर योर व्यू एंड सर फॉर योर कॉशन जो आपने सर दिया था। 18,000 मुझे अभी याद है आपने कहा था, काफी स्टॉक्स जो है एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। तो सर ये जो मैं, क्योंकि मैं आपकी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो सर मुझे तो ये मिल पाया। तो सर आज जो है मैं हमेशा कम्युनिटीज इंट्रोड्यूस करता हूँ, आज सर मैं चाहता हूँ कि आप बताएं सर कि आपकी कम्युनिटी में ये जो हम बताते हैं कि एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ क्यूरियस कम्युनिटी, सर इसमें ये जो क्यूरियस वाला पार्ट है सर ये क्या है सर, ये आप हमारे आज दर्शकों को बताइए आपकी कम्युनिटी के बारे में। तो बेसिकली क्यूरियस वाला पार्ट ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको क्यूरियसिटी बनानी है कि भाई मैं अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। तो आपको वो क्यूरियसिटी होनी चाहिए मार्केट में, वहां से आपको उसका बिजनेस का एक हर एक फैक्टर जानना जरूरी है, उस कंपनी का हर एक फंडामेंटल फैक्टर, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, उस कंपनी के सारे जो रेशियोज होते हैं, पी रेशियो वगैरह वगैरह, जो भी डेट वगैरह होता है, वो सब आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। तो ये क्यूरियसिटी आप में चाहिए मार्केट में, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, ट्रेडिंग कर रहे हो, तब भी आपके पास ये क्यूरियसिटी होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसके पीछे क्या एग्जैक्टली रीजन है, उसके टेक्निकल्स में कौन सा वो फैक्टर है जो कि पॉजिटिव है। टेक्निकल्स में काफी फैक्टर्स होते हैं, तो कितने फैक्टर्स है जो कि आपके फेवर में है अगर आप उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आती है इस क्यूरियस वर्ड में, कि आपको इस सारी चीजों के लिए क्यूरियस होना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों के लिए क्यूरियस हो जाओगे, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे कि ये स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में इतने रिटर्न्स दिए तो क्यों दिए, ये स्टॉक ने आपको लास्ट 1 और 2 ईयर्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए तो क्यों दिए, उसके पीछे क्या रीजन्स थे, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में। एंड दैट इज व्हाट वी एक्सप्लेन इन क्यूरियस कम्युनिटी थ्रू आर यूट्यूब चैनल, थ्रू आर ट्विटर हैंडल, एंड थ्रू आर प्रीमियम कम्युनिटी ऑन कॉस्मोफिट। सो दैट इज व्हाट द क्यूरियस कम्युनिटी इज। ओके सर, सर थैंक यू सर आपकी कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए। और सर एक और एक क्वेश्चन है जो है सर कि बजट के बारे में एक एग्री थीम के ऊपर सर एक क्वेश्चन है, तो सर आप ये एग्री थीम या एग्री स्टॉक्स में सर आप कुछ ट्रैक करते हैं जिस पे आप कुछ बताना चाहेंगे। एग्री का एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ मैं, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है एग्री सेक्टर के लिए। तो एग्री जैसा कि इंडिया का एक लाइक लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, तो इस सेक्टर को मतलब काफी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। बट जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि ये सेक्टर अभी भी काफी अंडररेटेड सेक्टर है इंडिया में। इस सेक्टर पे वी कैन से कि इतना ज्यादा फोकस नहीं है, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है इस सेक्टर में, अभी भी वो वही ट्रेडिशनल वे में सब कुछ चल रहा है, अभी वही सब कुछ चल रहा है। एंड वी कैन सी दैट देयर आर सुसाइड्स एंड एवरीथिंग इन द दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एंड इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन मतलब बहुत सारे, हमने ये भी देखे कि आंदोलन हुआ, रैली हुई, ये हुआ वो हुआ, तो लास्ट कुछ सालों में ये चीजें भी हुई है। लेकिन यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए थे एग्री सेक्टर में जैसा कि हमने देखा लास्ट ईयर में, तो उसको भी काफी अपोज हुआ। तो ये एक क्रिटिकल सेक्टर है इंडिया के लिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है, क्योंकि इंडिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है अगर ये इंडिया इकोनॉमी का, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है और क्रिटिकल भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ रिफॉर्म कर रहे हो तो उसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट भी आता है मार्केट में, अगर पॉजिटिव भी हो कुछ तो उसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर बजट से एक्सपेक्टेशन रखें तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पेस्टिसाइड्स है उसका जो जीएसटी है वो कम हो सकता है, उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। अभी वो 18% है, तो वो 5% के जीएसटी ब्रैकेट में आ सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एग्री सेक्टर के लिए। सेकेंड, एग्री सेक्टर के लिए कुछ पीएलआई स्कीम वगैरह अप्रूव हो सकती है, जैसे कि एग्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं,
तो उनमें बेसिकली जैसे कि कुछ ये होता है, मतलब व्हाट डू वी से, सीड्स होते हैं या फिर और जो भी फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्री इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जैसे हाँ ट्रैक्टर्स हाँ और हाँ वगैरह. एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट 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 दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. तो वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनमें कुछ पीएलआई स्कीम आ सकती है, उनमें कुछ सब्सिडी एक्स्ट्रा दी जा सकती है तो इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए. तो वो भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस सेक्टर के आगे. उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज मतलब जब बाहर के कंट्री से हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है. ठीक है, तो वो उसमें एक इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं ताकि जो हमारा इंटरनल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उसको एक प्राइस बूस्ट मिले. तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है. और ये कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है आने वाले बजट से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. सो थैंक यू सर, सर आपका ये व्यू बताने के लिए और समराइज करने के लिए अच्छे से. तो सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैसेज में भी आ रहे हैं, तो जो भी दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं तो आप हमारी पिन ट्वीट है उसके नीचे आप कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चंस जो है हम वहीं से लेंगे. आप मैसेज रिक्वेस्ट देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप वहीं पर कमेंट करिए. सर अभी जो एक नेक्स्ट सेक्टर है जिसपे सर बहुत मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं सर, वो है फार्मा सेक्टर. तो सर इसपे अभी मैं चाहूंगा कि एक बार मार्केट साइंटिस्ट सर और फिर सर शुभम सर आप दोनों अपनी अपनी राय बताएं कि इसमें अभी क्या करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी काफी ड्राई आउट हो चुका है और हम देख रहे हैं कि कोविड भी अभी धीरे धीरे खत्म होता ही दिख रहा है. तो इसपे सर क्या व्यू है आपका? मार्केट साइंटिस्ट सर, सर ओवर टू यू. अरे सो कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन हेमंत. यस श्योर श्योर श्योर. सो सर हो ये रहा है कि मेरे पास सर क्वेश्चंस आए हुए, जैसे अभी हमने एग्री सेक्टर डिस्कस करा ना, ऐसे ही सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सर फार्मा सेक्टर पे, और उसके काफी ऐसे स्टॉक्स है जो एपीआई स्टॉक्स थे, जो ल्यूपिन है, सन फार्मा है, लॉरस लैब है, आरती ड्रग्स है, तो इन सारे स्टॉक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं. तो सर बस इसके बारे में सर आपका और शुभम सर की सर व्यूज क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज जो पैसा बनाना था फार्मा स्टॉक्स ने वो बना लिया 2 साल में. जो कंपनीज रिसर्च पे मतलब जिनको कोविड आने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनका ग्रोथ चालू रहता वो कंपनी पे फोकस करिए. जो कंपनी ने कोविड की वजह से पैसा बनाया वो को अवॉइड करिए, मैं तो ये बोलूंगा फार्मा पे. ओके सर. सर क्यूरियस शुभम सर, सर आप ट्रैक करते हैं सर फार्मा सेक्टर, सर आपका कोई व्यू इस पे? यस 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 आई डेफिनेटली ट्रैक इट. तो फार्मा की एक कहानी क्या हुई कि कोविड का जो पैंडेमिक आया तो उसमें उस सेक्टर को एक बूस्ट मिला. वी कैन से दैट इज अ टेम्पररी बूस्ट मिला. तो हर कोई कंपनी थी उसकी अर्निंग्स बढ़ी, उसका सेल्स बढ़ा, और उसी के वजह से फिर वो इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स ऊपर गया, फार्मा के सारे स्टॉक्स भागे. तो ये चीज हुई लास्ट 2 ईयर्स में जो कि हम सभी ने देखा. लेकिन अभी क्या हुआ कि उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम हो गया, तभी अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है. तो उसका डिमांड कम हो रहा है तो मार्केट में, तो उसके लिए उसका सेल्स कम हो रहा है, कंपनीज का ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो रहा है, जो कि उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव किया था हाई डिमांड की वजह से, जो कि अभी कम हो रहा है. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से उनके अगर आप रिजल्ट चेक करोगे तो रिजल्ट खराब निकल कर आ रहे हैं. तो एक स्टॉक है जो मैं खुद ट्रैक करता हूँ, दैट इज लोरस लैब्स. तो उस स्टॉक के बारे में अगर बताए तो उसका रिजल्ट देखो आप, लास्ट 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से एकदम खराब रिजल्ट आ रहा है. मतलब कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर रिजल्ट से तो खराब रिजल्ट है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी लाइक बैड रिजल्ट इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स ऑल्सो. क्योंकि देखो जो ग्रोथ मिली थी लास्ट 2 ईयर्स में वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, एंड दैट वाज सम इवेंट ड्रिवन ग्रोथ. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ ग्रोथ ऑलवेज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. बट दैट स्टॉक द स्टॉक इज डेफिनेटली गुड, कंपनी इज वर्किंग इन सम गुड सेक्टर. सो
you can definitely invest in that particular stock in dips, but अभी ट्रेडिंग के लिए आई वोंट रेकमेंड कि यू कैन गो फॉर द फार्मा, बिकॉज अभी वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ऐसा एक्टिव ट्रिगर नहीं है जो कि लाइक हेल्प यू इन द ट्रेडिंग. सो यू कैन अवॉइड दिस सेक्टर फॉर ट्रेडिंग पर्पस. इन्वेस्टिंग के लिए यू कैन गो टू स्टॉक स्पेसिफिक कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया अभी सेक्टर में चल रहा है, किसकी अर्निंग्स मेंटेन है अच्छे से, जो कि आप अगर आप ट्रैक करोगे प्री कोविड लेवल से और अभी से अभी जो लेवल चल रहा है उस लेवल में अगर आपको अभी भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. एंड अभी देखो लोरस लैब्स का रिसेंटली क्या हुआ था, उसका रिजल्ट आया ठीक है, और उसके बाद उस स्टॉक ने खराब रिजल्ट, ऑब्वियसली खराब था, तो उसमें रिएक्शन दिया मार्केट ने, बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हमें, तो वहां पर एक पैनिक बना, पैनिक सिचुएशन. बट कंपनी अगर आप देखोगे एज अ लोरस लैब्स तो ये कंपनी काफी अमेजिंग है ठीक है, कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, कंपनी का मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो इसी वजह से फिर इस स्टॉक में बाइंग आई, सेम डे पर बाइंग आई, गैप गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर से बाइंग आई, और ये स्टॉक सेम डे में आपको 7% ऊपर जाकर क्लोज देखने को मिल गया. तो ऐसा होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छी स्टॉक सिलेक्शन के साथ जा सकते हो. अभी फार्मा में आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल इन्वेस्ट इन एनी पेनी स्टॉक और एनी लाइक एवरेज स्टॉक, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक गुड काइंड ऑफ रिटर्न्स इन दिस सेक्टर. बट स्टॉक स्पेसिफिक रही है, कंपनी क्या करती है वो देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसी है, फंडामेंटल्स देखिए, देन यू कैन गो फॉर फार्मा सेक्टर स्टॉक्स. एंड यहाँ पर ये भी देखिए कि प्री कोविड लेवल इसका कंपनी का हिस्ट्री क्या था, पोस्ट कोविड लेवल क्या है, एंड बिटवीन कोविड लेवल इस कंपनी ने क्या किया और अभी इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई है, तो ये फैक्टर्स यू कैन चेक एंड यू कैन इन्वेस्ट स्टॉक स्पेसिफिकली इन फार्मा सेक्टर. या ओवर टू यू हेमंत. सर थैंक यू सर फॉर योर रिस्पॉन्स. सर हमारे साथ हमारे एक और हमारे एक एड ऑन एक करूं और अपना हेमंत में। यस श्योर सर, मैं बस एक छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा था, हमारे एक और स्पीकर है आदर्श सर जो है हमारे कॉस्मोफीड के क्रिएटर हमारे साथ है, तो मैं बस उनके बारे में बता रहा था. सर आप कैरी ऑन करिए सर, नो प्रॉब्लम. एड ऑन यही था कि फार्मा की अगर बात हो रही है ना, तो मेरा मतलब मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि लोगों को ये बात कड़वी लगे, अगर सेक्टर ट्रेंड में नहीं है, है ना, तो जैसे फार्मा सेक्टर 2015 के बाद ट्रेंड उसका डाउन हुआ, वो टाइम पे फार्मा सेक्टर ने एक बार 40 का पी भी टच कर लिया था, और 20 तक आते आते हो सकता है उसका पी जो है 20 के आसपास आ गया, मतलब उसका पी आधा हो गया. व्हाट इट मींस कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी थी उसको भी पी कमांड करने में दिक्कत हुआ करता था, मतलब उसको भी वो प्राइस ग्रोथ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. और लेकिन जब उसका टाइम आया 20 के बाद, तो जैसे शुभम भी बोल रहे थे कि अपने मतलब छोटी कंपनी भी थी ना, वो भी मतलब कम पी वाली, वो उसका भी ग्रोथ रेशियो और उसको देखते हुए अच्छा खासा प्राइस मिल गया उसको. अभी क्या हो रहा है, ये सेक्टर कंसोलिडेशन में जा रहा है, और मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो एंसिलरी कंपनीज हैं, जो एपीआई बनाती थी या कुछ करती थी. आप ये मान के चलिए कि वो कंपनी इसमें ये साल ग्रोथ नहीं है, मेरा मानना तो ये है. बिकॉज कोविड जब था तो आपको बहुत सारा मेडिसिन और ये सब चाहिए था, अभी मेडिसिन से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, राइट. जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, इंडिया का अगर आप पूरा बिहेवियर देखोगे पिछले 3 या 4 दिन में, तो 3 लाख से नीचे केसेस हो गए हैं 2-3 दिन में, और रिकवरी हमारी 3.5 लाख हो गई है. मेरा मानना ये है कि आने वाले 5 से 6 दिन बाद हो सकता है हमारी रिकवरी 1 दिन में 4.5 लाख 5 लाख भी आ जाए, और केस 2 लाख के आसपास आ जाए, मतलब 2.5 गुना रिकवरी या 1.5 गुना रिकवरी, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि फार्मा कंपनीज का जो गोल्डन पीरियड था, ज्यादातर कंपनीज का जो एंसिलरी हैं, एपीआई बनाती हैं, इनका कोई मोट नहीं है खासकर, वो में इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, इवन ट्रेड करने का, बिकॉज वो सेक्टर का पी घटेगा अभी. और जो कोर इकोनॉमी के स्टॉक्स थे जो 2 साल से पिटे पड़े थे, 1-1.5 साल से, वहां पे ध्यान दीजिए आप, राइट. बिकॉज फार्मा 5 साल से पिटा हुआ था 2020 तक, उसके बाद उसमें
एक साल 1.5 साल बहुत अच्छा रहना है। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी भी शायद आपका परीक्षा ले। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा किसी भी स्टॉक का, जो स्टॉक अच्छा कर रहा है क्या कर रहा है, बट अगर वो स्टॉक कितना भी अच्छा कर रहा है उसकी पीई अगर घट गई, क्यों? बिकॉज सेक्टर का पीई घट रहा है। सेक्टर का पीई अगर अभी 35 पे पीक किया या 36 37 पे पीक किया, पूरा घट के अभी 28 28 27 हो गया है, और घट के अगर वो 20 22 हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी उसका पी भी घटेगा। सेक्टर वाली बात है ना, मतलब पी घटने का मतलब क्या है, वो सेक्टर से पैसा निकल रहा है और दूसरे सेक्टर में जा रहा है। जो पी री रेटिंग के सेक्टर्स हैं या जहां पे अर्निंग्स अपवर्ड या पी बढ़ने का चांस है वहां जाइए आप। और पी कम कहाँ मिलेगी आपको? अंडर ओन्ड सेक्टर्स। अंडर ओन्ड सेक्टर्स कौन से होंगे आपके? वो सेक्टर्स जो कोविड के बाद बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। मैंने मेटल्स के बारे में 2020 से मैं बात किया, 21 में जब सेकेंड हाफ आया तो मैं बोलने लग गया कि भाई अभी मेटल बहुत चल गया है। हाँ, और 21 में टेक्सटाइल का बात किया, राइट, कि शायद हो सकता है कि बहुत अच्छा रन दे, और अभी आप टेक्सटाइल देखो। 22 में मेरे को लग रहा है कि आपका इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और सेमीकंडक्टर, ऐसे हेज, ये सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे। तो जो ओपनिंग अप सेक्टर्स हैं, मीडिया हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन बहुत पिटा हुआ सेक्टर है, स्टूडेंट्स आए नहीं स्कूल में, और मतलब ऑनलाइन पे इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, तो रेवेन्यू लूज कर दिया एजुकेशन स्टॉक्स ने, और उसमें पेपर स्टॉक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ये साल हमने जैसे कोविड का बिहेवियर देखा है, लोग इसको थर्ड वेव बोल रहे हैं, थर्ड वेव है नहीं है, राइट, ऐसी कोई थर्ड वेव आई नहीं। थर्ड वेव आने का मतलब ये होता है कि लॉकडाउन हो जाता मैक्सिमम स्टेट्स में, सैट संडे या ऑड इवन चल रहा होता, पर बहुत कम सिटीज में या बहुत कम ऐसे स्टेट थे जहां पे ऑड इवन चला या संडे लॉकडाउन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अब थर्ड वेव भी खत्म हो रहा है, थर्ड वेव जो मिनी वेव था छोटा सा, और जो ओपनिंग अप वाले सेक्टर्स हैं वहां पे ध्यान दीजिए, वो चाहे होटल हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, ये सारे सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। फार्मा में अच्छी कंपनी भी आप ले लोगे ना, तो मेरा मानना, तो मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है, ये साल में आपको अच्छी कंपनी में रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो, सॉरी लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हो, 3 साल 4 साल 5 साल, तो रिटर्न मिलना ही है फिर अच्छी कंपनी में, ये चीज है। लेकिन 1 साल 2 साल के लिए आप सोच रहे हो, तो आपको ये डिफेंसिव सेक्टर्स, फार्मा, आईटी में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर रहना पड़ेगा। वैल्यूएशन वैल्यूएशन वाइज ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलत हो जाऊँ यहाँ पे, बट सेक्टर स्पेसिफिक आई डोंट थिंक कि ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि आई मे बी अ रॉन्ग पर्सन, राइट, बट स्टॉक स्पेसिफिक आप देखिए क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि सेक्टर को जब भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा ना, उसको भी पी कम मिलेगा। ये तो मैंने पिछले 10 साल में देख, राइट, ये चीज तो होती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई बैरियर नहीं है, पर जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनको थोड़ा सा इन सेक्टर्स में कॉशियस रहना चाहिए ट्रेड करने के लिए। वो सेक्टर में ट्रेड करो या पोजिशन बनाओ जो अंडर ओन्ड है। तो मैंने बार बार ही बोला है कि रिडीम सम वैल्यू फ्रॉम ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और सेक्टर्स, एंड रिचार्ज योर पोर्टफोलियो विथ यू नो अंडर वैल्यू और यू नो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और सेक्टर्स, तो वहां पे आप जाइए, शायद वहां पे पैसा बढ़िया बन सकता है। ओवर टू हिम्मत। थैंक यू। थैंक यू मार्केट साइंटिस्ट सर। सर सुनाओ, सर ओवर टू आदर्श सर। आदर्श भी हमारे साथ है सर। आदर्श भी कॉस्मोफीड के क्रिएटर हैं और उनकी भी इस पे एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है। सो आदर्श, आप भी फार्मा सेक्टर को ट्रैक करते हैं। आदर्श, आपका इस पे क्या व्यू है? बिल्कुल, व्यू तो बिल्कुल जैसा सबने कहा कि फार्मा हैज बिन रन अप सो फास्ट एंड सो ग्रेजुअली इन लास्ट 2 इयर्स। तो हाँ, प्रोबेबली ये हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा रन अप देखने को ना मिले। बहुत जिस तरह के रिटर्न्स लास्ट 2 इयर्स में हमें मिले हैं, बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं, बहुत से छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 4 टाइम 5 टाइम्स हो गया है। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं फिर तो आप टोटली डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन अगर आपका लॉन्गर पर्सपेक्टिव है और आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, तो
तो फार्मा में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा कि आगे का पोटेंशियल क्या है. ऑन्कोलॉजी हो गया, बायोलॉजिक्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सीडीएमओ हो गया, इकैटर हो गया, वहां भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कैपेक्स भी कर रही हैं और जो उस पे रिसर्च भी बहुत तगड़े तरीके से कर रही हैं, ताकि वो जो फ्यूचर मार्केट शेयर हो उसको वो पहले से टैकल कर पाए और पहले से ग्रैब कर पाए उस चीज को, कि अभी से वो तैयार रहे आगे के फ्यूचर को, मार्केट को ग्रैब करने के लिए. तो ऐसी कंपनियाज हैं, अभी भी बहुत सारी कंपनीज है. मैं बार बार स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाता कभी भी किसी भी स्पेस में. तो थोड़ा सा आप अगर पढ़ोगे, थोड़ा बहुत गूगल करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, गूगल करोगे आपको 7-8 कंपनियां मिलेंगी. फिर आप उनको थोड़ा पढ़िए, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़िए, कॉन कॉल सुनिए, कॉन कॉल भी आपको मिल जाएंगे सुनने को. और दूसरा, अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा काम है कॉन कॉल सुनना, तो बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो आपको कॉन कॉल्स की समरी स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करते हैं. हो सकता है मे भी उनका थोड़ा सा बायसनेस हो उसमें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप खुद से सुनो तो ज्यादा बेहतर है. लेकिन वो फिर भी एक रफली एक आपको ये दे देते हैं कि ओवरशॉट दे देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या मैनेजमेंट ने बोला है कमेंट्री में. वैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं तो कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज और फिर से मिली है. ऑलमोस्ट 20-30% करेक्शन आ गई हैं बहुत सारे स्टॉक्स में, तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मानिए. और अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो फिर मैं तो कहूंगा कि ये अभी से SIP स्टार्ट कर दो अगले 1 साल के लिए फार्मास में, और उसका बेनिफिट मिलेगा, पक्का बेनिफिट मिलेगा. फार्मा, आप फार्मा को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है. अभी हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ग्रोइंग लेवल पे है, और जहां पहले क्या होता था कि थोड़ा सा अगर बुखार हुआ, किसी को कुछ हुआ, तो वो घर के वो 2-3 चीजें करके ही चीज समेट लेते थे. जो गाँव की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत से आप अगर रूरल एरियाज में जाओगे, अभी मैं रिसेंटली जहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अभी मैं एक रूरल एरियाज में ही हूँ, बैठा हुआ हूँ अभी यहाँ. पहले मैं 3 साल पहले की बात करूँ, तो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ अभी हूँ, वहां 5 साल पहले पूरे लास्ट 1 किलोमीटर के एरियाज में 2 या 3 डॉक्टर्स थे, 2 या 3 क्लिनिक हुआ करती थी डॉक्टर्स की. अभी 5 साल 6 साल बाद जब मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि हर दूसरे घर के बाद एक डॉक्टर बैठा हुआ. और फिर मैंने सोचा कि मैं पूछूं, थोड़ा बहुत घूमूं कि क्या चल गया रहा, मतलब इतने सारे डॉक्टर्स अगर बैठे हुए हैं एक जगह, इतना 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 भीड़ इकट्ठा किया है इन्होंने, तो क्या सबका चल रहा है, क्या सबके पास पेशेंट्स, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, या क्या उतना वो फुटफॉल है. तो फिर जब मैंने बात करी आसपास के दवा दुकानदारों से, आसपास के वो हॉस्पिटल्स वालों से, उनके जो मैनेजर्स वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अच्छा फुटफॉल है, हमारे यहाँ अच्छा फुटफॉल है. और मैंने देखा भी, जब मैंने देखा कि यार, एक 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 दिन देखा कि क्या है, सही में ऐसा है, मतलब भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं. तो ये ग्रेजुअली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सारे रूरल एरियाज में ऐसी चीजें हो रही है. तो अल्टीमेटली जब वो डॉक्टर 2 दवा 3 दवा 4 दवा लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा ही होगा. ये ग्रेजुअली और बढ़ेगा, और बढ़ेगा कैसे, क्योंकि पहले क्या था कि ये सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं, ये लोग लेते नहीं थे, जो खाना खाया खाया. आजकल आप देखोगे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो अदर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया. मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं पहले 3-4 साल पहले की बात करो, अगर कोविड के पहले की बात करो या उससे पहले की बात करो, मैंने कभी अपना फुल बॉडी चेकअप कभी नहीं करा, नहीं कोई ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए दिया. लेकिन अभी आफ्टर कोविड मैं हर 6 मंथ पे ये करवा रहा हूँ, अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है. तो मैं सिर्फ ऐसा, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग ऐसे आगे बढ़े हैं. और फिर वो जब मेरा रिजल्ट आता है, मैं उस हिसाब से फिर अपना कोई फूड सप्लीमेंट्स हुआ या फिर कोई अलग दवा हुआ, फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके, तो लोग पहले से और हेल्थ कॉन्शियस बने हैं. और इसलिए मैंने आप कुछ दिन पहले हेल्थ केयर पे भी और हेल्थ केयर डिवाइसेस पे भी एक अपना पूरा एक बास्केट शेयर किया था कॉस्मोफिट में, जो कि अभी भी कॉस्मोफिट पे है, लोग वहां जाके उसको ये कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग बेट करना है तो मोमेंटम चेस करना है, तो मोमेंटम नहीं है बिल्कुल, फार्मा में कोई मोमेंटम अभी नहीं दिखेगा आपको. लेकिन यही अच्छा मौका, इस कंसोलिडेशन का, इस करेक्शन का फायदा उठाइए, और
इसको एक्यूमुलेट कीजिए, और फार्मा को आप छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ चीजें, कुछ सेक्टर्स ऐसा है ना, जैसे कि आप कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स हो गए, या फिर आप बात करो इसकी डिस्क्रिशनरी की, जो फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये सब चीजें हो गई, इनको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। फिनांसेस हो गए, फिनेंशियल्स हो गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, इनको छोड़ के ना इकोनॉमी बढ़ सकती है, ना कोई कंट्री बढ़ सकती है। तो यही है फार्मा के ऊपर तो मेरा। तो थैंक यू आदर्श, आदर्श इतना अच्छे से और इतना डिटेल में ये सब बताने के लिए। तो सर अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, सर ये स्टॉक भी 2-3 बार आया हुआ है और ये सेक्टर भी है कि सर एक ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर और उसमें भी ये स्टॉक जो है सर, ये पोर्ट स्पेसिफिक स्टॉक है, जैसे कि अडानी पोर्ट्स है, कि हम काफी टाइम बात करते हैं कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सर इससे ये स्टॉक्स तो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो सर इस पे क्या व्यू है सर, आप में से सर जो भी इसे ट्रैक करता हो और जो इसे लेना चाहेगी क्वेश्चन को, तो सर जरूर बताइए उस पे। आप ओवर टू आवर स्पीकर्स। अदानी पोर्ट पे अगर बात करें तो थोड़ा सा मतलब मैं, स्टॉक तो बहुत अच्छा है, और जहाँ तक बात है वैल्यूएशंस की, तो वो थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना कि अभी इस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा है, कि जहाँ हम टोटली उसको मतलब अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, स्टॉक इसलिए बेनिफिशियल हो सकता है, जहां तक बात है भारत माला प्रोजेक्ट की, चाहे सागर माला प्रोजेक्ट की, अगर जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो कि मेक इन इंडिया की, तो लॉजिस्टिक विल बी द की। चाहे आप चाइना देख लो या फिर अमेरिका देख लो, कहीं का भी आप देख लो, लॉजिस्टिक विल बी द की। तो अगर लॉजिस्टिक की बात कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम जो पोर्ट्स हैं, चाहे आप वो मुंद्रा ले लो, मुंद्रा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा ट्रैफिक है वहाँ पे। और ऐसे अभी फिर और भी बहुत, ऐसे बहुत सारे और भी पोर्ट्स हैं जो अदानी पोर्ट्स ने खुद एक्वायर किए हुए हैं। तो अभी का अगर रिसेंट वैल्यूएशन देखे और अगर फ्यूचर फोरकास्ट करें, फॉरवर्ड पी देखे, तो अगर हम उस चीज को देखते हैं कि अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है या फिर जो प्रोडक्शन हमारे बढ़ते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो भी लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट्स है, वो अभी जो है, अभी का जो मार्केट दिख रहा है लॉजिस्टिक का, यहाँ से ये 10 टाइम 20 टाइम्स हो सकता है। अगर अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम जो प्लान करके चल रहे हैं कि हाँ मेक इन इंडिया अगर सक्सेसफुल होता है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, अगर जो हमारा अभी वर्ल्ड पे 3 या 5% के आसपास है, उसको बढ़ाकर अगर हम चाइना का जो परसेंटेज है उसको कैच कर पाते हैं, उसको ग्रैब कर पाते हैं, तो लॉजिस्टिक विल बी द की, और यहाँ से 10 टाइम 15 टाइम्स हो सकता है। अदानी पोर्ट्स में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन एग्रेसिव है, इसीलिए मैंने बोलूंगा कि अगर आपको 100 टका लगाना है तो अभी पूरा 100 टका लगा के बैठ जाओ। SIP मैनर पे आप खरीद सकते हो, करेक्शन आ सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे ही ये एक बार ये हवा हटेगा ना, जो बुल मार्केट का हवा, तो फिर थोड़ा सा वैल्यूएशंस वगैरह इसके थोड़े से ये आएंगे। लेकिन स्टॉक अच्छा है, और जिस फील्ड में है, जिस तरह की एक्विजिशन ये कर रही है बोर्ड्स की, और जिस तरह एग्रेसिवली काम कर रही है, ये बेटर रिजल्ट्स देगी। तो थैंक यू आदर्श सर, सर ये बताने के लिए। और सर अभी जो नेक्स्ट सेक्टर है वो तो मैं जरूर मैं डायरेक्ट करूंगा हमारे क्यूरियस शुभम सर की तरफ ही, क्योंकि सर आपने इस पे एक लेटेस्ट ट्वीट भी दिया है सर, अपडेट भी दिया है सर, वो है IT सेक्टर। तो सर इस पे पहले आप बताइए, फिर हम मार्केट साइंटिस्ट सर के और जाएंगे। तो सर आपका इस पे क्या व्यू है सर, क्यूरियस शुभम सर, कि सर आपने अभी रिसेंटली आपने ये सब बाय दिए हैं वापस, तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक पुल बैक आएगा कि एक नई रैली बनेगी पूरी? सर क्या व्यू है आपका IT सेक्टर के ऊपर? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? मार्केट साइंटिस्ट सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। ओके सर, तो
जब तक क्यूरियस अच्छा क्यूरियस शुभम सर का मैसेज आया है, कांट कांट स्पीक. ओके सर, आप क्या कैरी कीजिए सर, मैं क्यूरियस शुभम सर से मैं डिस्कस करता हूँ. सर आप आईटी सेक्टर पे सर आपका क्या व्यू है, आप बताइए. आईटी फार्मा के ऊपर मैंने बताई दी है, सो आई एम न्यूट्रल. और मेरे को लगता नहीं कि आईटी फार्मा ऐसे सेक्टर ज्यादा कुछ बड़ा रिटर्न आपको 2022 में दे पाएगा. सर और इसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट सर आईटी या सेक्टर में, क्योंकि सर इसमें ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने जो है काफी हायर प्राइसेस पे सर इसको खरीदा हुआ है, तो आपकी मैं फिर रिपीट करूंगा एक ही बात, 2022 में आप कोई भी प्राइस ले हो, कुछ भी ले हो, 2022 में फार्मा आईटी मेरे को लगता नहीं ऐसे सेक्टर बड़ी चाल दे पाएंगे. स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि कुछ स्टॉक दे दें, बिकॉज सेक्टर का जब पी घटता है तो मतलब सारे स्टॉक्स का पी घटता है, लेकिन जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं सेक्टर में या उनका अर्निंग अच्छा होता है तो वो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कर पाते हैं जितना सेक्टर जब ट्रेंड में हो ऊपर में तब कर पाए. तो वो आपका डिसीजन है, बट बीइंग अ ट्रेडर शॉर्ट टर्म हो या बीइंग एन इन्वेस्टर मीडियम टर्म 1-1.5 साल के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आईटी फार्मा में मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी. हाँ टाइम प्राइस करेक्शन यहाँ पे और तगड़ा आ जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ स्टॉक्स में क्रिएट हो जाए, तो वो आपको देखने का है. स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हर किसी का अपना अपना व्यू होता है स्टॉक्स पे, राइट. हो सकता है कि किसी स्टॉक पे मैं मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ या इतना ज्यादा मेरे को मैं उसको ट्रैक ही नहीं करता हूँ, और कोई और बंदा ट्रैक करता हो पॉजिटिव है ना. ये चीज है, 7,000 स्टॉक हैं अपने मार्केट में लिस्टेड, तो आपकी कैपेसिटी मेरे को लगता नहीं 200-300 स्टॉक से ज्यादा होगी. और 200-300 में से भी अगर मैं ढंग से बताऊं ना तो 80-90-100 मैक्स 100 स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां आपका जिन स्टॉक्स का आपको ओवरव्यू रहेगा एक, है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है तो. नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि 100 स्टॉक से ऊपर लोग जानते भी होंगे डिटेल में. ऐसे तो आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम ध्यान होंगे, नाम ध्यान होने से मार्केट में काम चलता ही नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं. यहाँ पे आपको डिटेल पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कह रही है और कंपनी का ग्रोथ क्या रहा है और वो ग्रोथ के हिसाब से उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न क्या दिया है, ये सारी चीजें. तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ आईटी फार्मा में ज्यादा ग्रोथ नहीं है ये साल में. ऐसे सेक्टर की आप बात करो, आप इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मीडिया, टेक्सटाइल सेलेक्टेड अगर आप बोलो, केमिकल सेलेक्टेड में बोलो, वहां जाओ, वहां शायद आपको बेटर वो देखने को मिल सकता है. ओके सर, सर थैंक यू ये आईटी और फार्मा पे बताने के लिए. सो अभी क्यूरियस शुभम सर इज बैक. सर वेलकम बैक. सर अभी सर हम आईटी सेक्टर ही डिस्कस कर रहे थे, तो सर आपने भी अभी रिसेंटली इस पे एक व्यू दिया है, तो सर आपका क्या कहना है सर आईटी सेक्टर पे? यस यस, सो या डेफिनेटली आईटी सेक्टर इज नॉट फॉर ट्रेडिंग नाउ, बिकॉज जैसा कि वी हैव सीन दैट फार्मा सेक्टर हैज गिवन अ मैसिव रिटर्न, सो इज आईटी सेक्टर हैज गिवन. सो अभी इतने लाइक मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए है इस पर्टिकुलर सेक्टर ने, आईटी सेक्टर ने, तो इसमें भी अभी ट्रेडिंग के लिए आपके आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इन्वेस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है. तो मैंने जो ट्वीट भी किया था वो भी इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ही था. तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों अपॉर्चुनिटी है, तो ये इसलिए है क्योंकि आईटी सेक्टर में जो मैसिव ग्रोथ हो रही है अभी, तो वो उसको अभी कोई स्टॉपर नहीं है. जैसे कि वी हैव सीन दैट इन फार्मा सेक्टर, दैट वहां पर एक स्टॉपर है कि अभी फार्मा का यूजेज कम हो गया है और स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके थे ऑलरेडी, तो उसमें अभी वो कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं देखी जा सकती जो कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में देखी. बट आईटी सेक्टर का क्या है कि लोगों के जो बिजनेस थे वो काफी नेक्स्ट लेवल तक अफेक्ट हो चुके थे इस पैंडेमिक हो या फिर लॉकडाउन की वजह से, और उसके लिए अगर कुछ सोल्यूशन है उनके पास तो दैट इज आईटी सेक्टर, बिकॉज आईटी सेक्टर से वो अगर अपना बिजनेस डिजिटाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका फिर से ये उनको डर नहीं रहेगा कि लॉकडाउन आ जाए या फिर कोई पैंडेमिक आ जाए, तो वो डर उनसे चला जाएगा क्योंकि उनका बिजनेस ऑनलाइन होगा, बिजनेस क्लाउड पे होगा, सब कुछ डिजिटाइज होगा. तो वो एक
अभी बहुत सारे बिजनेसेस हो, लाइक छोटे बिजनेस हो या फिर बड़े बिजनेस हो, तो उनका अभी ये प्लानिंग है कि अपना बिजनेस डिजिटाइज करना है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन मैसिव ग्रोथ इन आईटी इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई देयर सेल्स एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. सो अगेन दिस इज अ स्टॉक स्पेसिफिक. ऑल्सो यू कैन सी दीज डेज दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विथ लाइक एवरी 6 months. सो एवरी 6 months वी कैन सी देर इज अ मैसिव चेंज इन द टेक्नोलॉजी. वी आर सीइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड दैट इज वॉट कैन ड्राइव दिस आईटी स्टॉक्स टू नेक्स्ट लेवल. सो जैसा कि अगर आप आई डोंट नो कि आपको मेटा के बारे में पता है या नहीं, बट दिस मेटा थिंग इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग इन कमिंग फ्यूचर. इन लाइक कमिंग 5 to 10 years यू विल बी एबल टू सी देर विल बी नो सोशल मीडिया एज वी आर यूजिंग इट टूडे. इट विल बी कम्प्लीटली अ मेटावर्स, एंड द होल सोशल मीडिया जो आज का हमारा चल रहा है वो पूरा मेटावर्स पर चलने वाला है. और ये सारा मैसिव चेंज कैसे होगा? सो ये सारी चीजें आईटी इंडस्ट्री से ही होने वाली है. एंड आईटी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर अभी एक स्टॉप पर कोई स्टॉप पर नहीं है, तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ पे चलती ही रहेगी. अगेन यू नीड टू बी अ स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए चल गए, बट उनपे अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स फ्रॉम दो स्टॉक्स. यू नीड टू फोकस ऑन ग्रोथ स्टॉक्स, जिनके पास अभी ग्रोथ है, जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन अच्छा है, उनका ऑर्डर बुक अच्छा है. तो वैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर. एंड आईटी सेक्टर में इन्वेस्टिंग के लिए डेफिनेटली ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वो काफी अमेजिंग है आईटी सेक्टर में. अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो या फिर यू नो दिस सेक्टर वेरी वेल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इनकमिंग फ्यू ईयर्स आईटी सेक्टर में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है. एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग विल बी अबाउट द आईटी स्टॉक्स. ओवर टू यू हेमंत. थैंक यू सर. सर आपका आईटी सेक्टर पे सर व्यू देने के लिए. सर एक और सेक्टर है जो कि सर हमने काफी डिस्कस किया हुआ है, वो है एफएमसीजी सेक्टर. और इसमें ये जो इन्फ्लेशन है, जिसने अभी जैसे हमने देखा था कि जो ब्रिटानिया थे तो उन्होंने कहा था कि वील मैनेज द इनपुट कॉस्ट, बट सर हमने उनके नंबर्स देखे तो ब्रिटानिया की तो सर वाट लग गई है नंबर्स में. सो हाउ इज दिस बीइंग मैनेज्ड? और ये जो इन्फ्लेशन और एफएमसीजी सेक्टर है और इसके ऊपर सर ये जो वैल्यूएशन है कुछ स्टॉक्स की, तो इस पे सर आपका क्या व्यू है? तो इस पे सर मैं मार्केट साइंटिस्ट सर से सर शुरू करना चाहूंगा सर. और सर एक और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से कि जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो हम जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम सारे हमारे कमेंट सेक्शन से ले रहे हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप हमारे पिन ट्वीट के नीचे आप कमेंट्स करिए, हम वहां से आपका क्वेश्चन लेंगे. और आप कॉस्मो फीड को सपोर्ट करिए, आप हमें फॉलो करिए, और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उन सबकी जो एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज है कॉस्मो फीड पे, उन सबकी मैंने लिंक्स शेयर करी है, आप चेक करिए और आप भी देखिए कि एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज में ऐसा एक्सक्लूसिव क्या होता है. सो यस, ओवर टू मार्केट साइंटिस्ट. हेमंत, मैं आपका अगेन सो जस्ट वांट टू यू नो मतलब दिस इज जस्ट माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि मतलब एफएमसीजी सेक्टर पे आपका व्यू, आपको व्यू चाहिए राइट कि व्हाट आई एम थिंकिंग या व्हाट एग्जैक्टली वांट टू नो. सर ऐसी दो तीन चीजें तो हैं कि एफएमसीजी सेक्टर पे की जो वैल्यूएशंस है स्टॉक्स की, या फिर ओवरऑल मार्केट में जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, फिर जो हमने इन्फ्लेशन की बात करी थी और जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जो ये जो फूड शॉर्टेज जो हो रहा है, सर ये सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा सर आप इनसाइट्स, क्योंकि आप ये सब टॉपिक्स कवर करते हो अच्छे सर, तो थोड़ी इनसाइट्स अगर आप देना चाहें. देखो ऐसा है, एफएमसीजी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सेक्टर है तो जैसे एफएमसीजी यू नो वाज अ डार्लिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फॉर मेनी इयर्स, और अभी भी आप देखोगे तो हमेशा कंज्यूमर फूड अगर आप देखोगे उसको अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल जाता है. लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, या अब जैसे फार्मा हो गया या आईटी के हम बात कर रहे हैं, डिफेंसिव माना जाता है एफएमसीजी फार्मा या इनको, कि इनके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं.
इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको अनाप शनाप वैल्यूएशन दे देंगे. सो वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट मनी फ्लो, राइट. तो कोई सेक्टर में अगर बहुत बड़ा टेलविंड है ना, तो वहां पे ही वैल्यूएशन जाएगा, वही सेक्टर का रीरेटिंग होएगा और वहीं पे आपको अच्छा खासा यू नो ग्रोथ देखने को मिलेगा. प्लस मतलब ग्रोथ इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ पी, बिकॉज पी ग्रोथ क्यों आएगा, बिकॉज पीपल जनरली एक्सपेक्ट एन अर्निंग ग्रोथ, कि वहां पे अर्निंग ग्रोथ आने वाला है. और अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ वहां पे इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी सेक्टर में है, तो अल्टीमेटली आप मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर व्हाट वुड यू डू, राइट. आप वहां से थोड़ा पैसा रिडीम करोगे और बाकी सेक्टर में जाओगे. तो एफएमसीजी ऐसे सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो मेरा मानना है कि एक स्टेबल सेक्टर है, एक मीडियोकर टाइप का रिटर्न अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो ये सेक्टर में आप ले सकते हो. मीडियम टर्म की बात करूं या शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो आपको शायद यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा. बिकॉज क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन, खासकर जो रॉ मटेरियल में आ रहा है, लाइक यू टॉक अबाउट ब्रिटानिया और काफी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे ये दिक्कत देखने को मिलेगा, तो वो बहुत बड़ा एक टेंशन लेके आया है ये कंपनीज के लिए, खासकर इनपुट कॉस्ट आपने बोला, रॉ मटेरियल बोला या ओवरऑल. तो अल्टीमेटली देर वुड बी अ प्रेशर ऑन टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन. टॉप लाइन में तो क्या होता है, एफएमसीजी में कंपटीशन बहुत है. अब जैसे आपने ब्रिटानिया की बात करी, तो ब्रिटानिया इज इन सेगमेंट ऑफ 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, ये सब सेगमेंट में. बिस्किट की अगर मैं बात करूं, ये सेगमेंट में आपको 10 और ब्रांड मिल जाएंगे, स्टेब्लिश, नॉन स्टेब्लिश या लोकल, जो बिस्किट बेच रहे हैं सेम क्वांटिटी में, सेम अमाउंट में, या कह सकते हो कि सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स आ रहे हैं उस पैकेट में, कई लोग तो उससे ज्यादा दे रहे हैं, कितना परसेंट एक्स्ट्रा में. तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इज ए की ट्रिगर नंबर 1. तो अगर आप रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहे हो, तो इट मींस यू आर नॉट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपकी इंपोर्ट कॉस्ट हाई है इन्फ्लेशन की वजह से, तो आपके जो बॉटम लाइन है वो तो ग्रो करेगी नहीं. इफ टॉप लाइन इज ग्रोइंग विथ 5%, 6%, तो बॉटम लाइन वुड ग्रो एट 1%, 2%, मतलब फ्लैट ही है, ग्रो ही नहीं कर रही है. अगर वो ग्रो ही नहीं कर रही है, तो आपको जो पी मिला हुआ है स्टॉक को वो नहीं मिलेगा, वो घटेगा थोड़ा सा. घटेगा मतलब वहां से पी घटने का मतलब क्या है, पी बढ़ने का मतलब पैसा आना, और पी घटने का मतलब पैसा जाना, राइट. तो पैसा जब जाएगा तो पी घटेगा, और पी घटेगा तो मतलब आपका प्राइस गिरेगा, है ना. इट्स अ काइंड ऑफ यू नो ग्रोथ फंक्शन आप बोल सकते हो. तो एफएमसीजी हो या कोई भी ऐसा सेक्टर हो, डिफेंसिव की मैं बात कर रहा हूँ, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच 2022 में रखना पड़ेगा. हाँ, लंबा टाइम आपके पास है तो 4-5 साल में बहुत अच्छी, बहुत कंपनीज बहुत कुछ कर सकती हैं. एफएमसीजी में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मेरे को लग रहा है आज अगर आप लेना शुरू करो, तो यहाँ से 10 गुना हो सकती है कुछ कंपनीज. कौन सी होंगी, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कम्युनिटी पे शेयर करें कि वो कंपनीज हैं जो आपको एक्युमुलेट करनी चाहिए कंज्यूमर फूड में खासकर, राइट. सेम आईटी में है. अब आईटी भी एक एसेंशियल चीज है, आईटी के बिना क्या पॉसिबल है. बट आईटी में मेरे ख्याल से आज के टाइम पे आपको अगर बुलिश होना है, आप टेलीकॉम आईटी में जाइए. टेलीकॉम आईटी में या टेलीकॉम इंफ्रा में जो कंपनीज हैं वहां ध्यान दीजिए, वहां ज्यादा पैसा बन सकता है. 5G का रोल आउट होएगा और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, राइट. डीलिंक का मैंने एग्जाम्पल पहले दिया ही था एक डिटेल पूरा. तो इस टाइप की कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हूँ, टेलीकॉम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीकॉम से कनेक्टेड हूँ, राइट. सेम फार्मा में है. फार्मा में जिन कंपनीज का रिसर्च है, सिंजिन है, सिंजिन का कोई मतलब ही नहीं है. सिंजिन कोरोना आता नहीं आता, तो उसकी ग्रोथ में इतनी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि वो ग्रो नहीं करती, ग्रो करती हो जिस तरीके का उसका प्रोडक्ट पाइपलाइन है और पूरा सारा सेटअप है. तो ये सब में ध्यान दीजिए. अब ये तो आपके डिफेंसिव हो गए, लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर से जो अंडर ओन है आज भी. तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ओन्ड है आज से नहीं, पिछले 10 साल से. कैपिटल गुड्स हो गया, मीडिया हो गया, एजुकेशनल सेक्टर में आप देखिए आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे. कॉमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हो सकते हैं एक अच्छा खासा राइड दिए, एक्सेप्ट मेटल्स. बिकॉज मेटल्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन आपको आने वाले 5-6 महीने में देखने को मिलेगा. तो अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा कम है मेटल स्टॉक्स में, और डाउनसाइड पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा हो सकता है यहाँ से, ये चीज है. तो ऑल इन ऑल एफएमसीजी में आई एम न्यूट्रल टू पॉजिटिव, आप बोल सकते हो. सो आई एम मोर ऑन न्यूट्रल साइड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, आप ये मानो. बिकॉज अगेन यू सेड
कि टॉप लाइन ग्रो करने में दिक्कत हो रही है ड्यू टू कंपटीशन, और बॉटम लाइन इसलिए ग्रो नहीं कर पा रही है बिकॉज इनपुट कॉस्ट ज्यादा है। ओ टू हेमंत। ओके सर, सर थैंक यू फॉर समराइजिंग दिस सर। सो अब एक अगला एक सेक्टर है जिसपे क्वेश्चन है, वो है हमारे क्यूरियस शुभम सर के लिए पूछा गया है कि सर पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी, सर ये जो पूरा एज एन ये जो सेक्टर है, तो ये सेक्टर पे सर आपको क्या आउटलुक लगता है मतलब फ्यूचर, क्योंकि टाटा पावर जो है और ऐसे काफी स्टॉक्स है कि अगर ईवी थीम है तो इनको काफी हाइप किया गया है ईवी इंफ्रा पे, तो क्या इनकी वैल्यूएशन सस्टेन है और क्या इसमें और ग्रोथ हम देख सकते हैं सर, इस पे क्या व्यू है आपका? यस सो अभी अगर आप इंडेक्स कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि अभी निफ्टी के इंडेक्स से भी अगर कोई इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लाइक हाई लेवल पर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज अ पावर इंडेक्स। तो अभी के लिए पावर इंडेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बुलिश इंडेक्स इन निफ्टी, बिकॉज बाकी के सारे इंडेक्स बीटन डाउन है, आईटी इंडेक्स बीटन डाउन है, एफएमसीजी तो एक नॉर्मल लेवल पर कंसोलिडेशन पर चल रहा है, और बाकी बाकी के इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डाउन ही है, फार्मा वगैरह सब कुछ। बट यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग अगर सेक्टर है तो वो है एनर्जी सेक्टर। अगर आप स्टॉक्स स्टॉक स्पेसिफिक भी देखोगे तो स्टॉक्स की जो लेवल है वो लेवल पर स्टॉक सस्टेन है इवन इन द करेक्शन ऑल्सो, लाइक 500-600 पॉइंट्स का करेक्शन हो गया निफ्टी में, 3% का भी करेक्शन हो गया, बट ये जो स्टॉक्स है वो अभी भी अच्छे गुड लेवल पर सस्टेन है। और जब भी करेक्शन मतलब मार्केट एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, सपोज आज मार्केट ने 3% करेक्शन दे दिया, नेक्स्ट डे मार्केट एक नॉर्मल लेवल पर चल रहा है, लाइक 5% लाइक 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन, तो वहां पर ये स्टॉक्स उतना जो करेक्शन में जो भी थोड़ा बहुत उनका फॉल हुआ था वो रिकवर हो जाता है। तो ये सेक्टर का जो स्ट्रेंथ है रिलेटिव स्ट्रेंथ तो अभी ज्यादा है, वो सेक्टर एक बुलिश सेक्टर है यू कैन से दैट, एंड कंसिडरिंग वैल्यूएशन, सो वैल्यूएशन के वाइज अभी ये सेक्टर थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट इनमें ग्रोथ भी है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, और इस सेक्टर में अभी नया पैसा आ सकता है क्योंकि ईएसजी रेटिंग जो होता है तो उससे अभी बहुत सारी पावर कंपनीज का ईएसजी रेटिंग बढ़ जाएगा, जैसे टाटा पावर, तो उससे जो ग्लोबल मनी है मनी फ्लो तो वो इन स्टॉक्स में आ जाएगा, और फिर से ये स्टॉक्स एक हायर वैल्यूएशन पर चले जाएंगे, और ग्रोथ भी तो आने वाली है इन सारे स्टॉक्स में, जैसे कि ईवी सेक्टर से पावर डिमांड बढ़ेगा तो पावर मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से पावर चले लेनी पड़ेगी फिर, तो वो एक फैक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो यू कैन गो फॉर दीज रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स इन पावर सेक्टर एंड दे कैन डेफिनेटली रिवॉर्ड यू गुड इन कमिंग फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का एग्जाम्पल हो गया, तो ये कंपनी बहुत ही डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, उसने अपना एक पूरा बिजनेस वर्टिकल बनाया है इस पावर सेक्टर में। तो एग्जाम्पल देखो तो ये कंपनी पावर जनरेशन करती है, उसके बाद इस कंपनी का पूरा पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क भी है, उसके बाद ये कंपनी अभी अपना चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना रही है, सो इट इज अगेन कमिंग विथ ईवी स्टॉक्स, सो ईवी स्टॉक में अगर आपको प्ले करना है देन ऑल्सो यू कैन गो विथ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये पावर सेक्टर मतलब ईवी सेक्टर में भी वो काम कर रही है, तो यहाँ पर इसका पावर जनरेशन का बिजनेस है, ट्रांसमिशन का बिजनेस है, एंड देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट पावर टू B2C सेगमेंट डायरेक्टली, सो दैट इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज डूइंग, एंड ऑल्सो टाटा पावर इज इन टू सोलर EPC बिजनेस, सो जो भी सोलर सेटअप होता है अगर आप अपने टेरेस पर सोलर सेटअप करना चाहते हो, सो बी इट फॉर योर पावर नीड्स और फॉर योर लाइक सोलर हीटर, सो दैट दैट इज दैट कैन बी डन बाय टाटा पावर। सो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो ये पूरा जो बिजनेस वर्टिकल टाटा पावर ने बनाया है दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड इन कमिंग फ्यू इयर्स, सो यस आई एम डेफिनेटली बुलिश ऑन दिस सेक्टर फॉर दिस ईयर ऑल्सो एंड कमिंग फ्यू ईयर्स ऑल्सो। एंड यहाँ पर आप एक चीज अगर आप आपने ऑब्जर्व किया होगा तो टाटा पावर का स्टॉक अभी 244 के प्राइस पर अवेलेबल है, ठीक है, तो लास्ट जो करेक्शन आया था वो करेक्शन लाइक डीप करेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो आया था दिसंबर में,
जो कि आई गेस 20 दिसंबर वॉज द लास्ट डेट फॉर दैट डीप करेक्शन 16,400 का लेवल. तो उस दिन स्टॉक ने जो लो बनाया था तो दैट वॉज अराउंड 200 रुपीज, ठीक है. एंड मैंने उसी दिन वीडियो भी बनाया था कि टाटा पावर यू कैन एक्यूमुलेट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, 200 का लेवल था वो. और उसके बाद आज अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन पावर के स्टॉक देखोगे तो टाटा पावर का स्टॉक उसने जो लो बनाया है रिसेंट वाला, तो वो लो अराउंड 225 का है. तो यहाँ पर एक हाइयर लो बना रहा है ये स्टॉक एंड हाइयर हाई बना रहा है, तो इनका एक अप ट्रेंड में चल रहा है अभी ये स्टॉक. सेम गोज फॉर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो वो स्टॉक भी 270 के आसपास चला गया था लास्ट करेक्शन में, लेकिन इस करेक्शन में इस स्टॉक ने 300 का लेवल भी ब्रेक नहीं किया है. तो ये एक स्ट्रेंथ है इन स्टॉक्स में, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी अच्छी स्ट्रेंथ है. तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो ऐसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इनमें आप फिर शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो. ओवर टू यू हेमंत. जी सर, सर एक बार सर हम हमारे एक और स्पीकर है हमारे साथ आदर्श सर करके, तो सर आदर्श सर भी इसको ट्रैक करते हैं. आदर्श सर एक शॉर्ट व्यू अगर आप देना चाहेंगे इस पे तो जरूर सर बताइए हमारे लिसनर्स को, और सर इसके बाद हम Q&A ओपन कर देंगे, तो जिन्हें भी हमारे स्पीकर से कुछ पूछना है मार्केट स्पेसिफिक तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूंगा. थैंक्स हेमंत फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो मैं क्या बात कर रहा था कि अगर आप देखोगे जैसा कि एनर्जी सेक्टर्स की बात हो रही है, ये भी सेक्टर्स है जैसा बहुत प्रवीण सर बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही अंडर ओन सेक्टर था, लेकिन लास्ट 6-7 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा रन अप आ गया है. लेकिन अभी भी क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, मैं उसकी बात अगर करूं, मैंने लास्ट कुछ स्पेसेस में भी इसकी बात की थी कि जब ऑनरेबल पीयूष गोयल सर ने जब ये मिनिस्ट्री ली थी 2017-18 में, तो तब अगर आप देखोगे कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने किए थे, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन को लो, ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूँ, ट्रांसमिशन को लो या फिर जनरेशन को लो या फिर आप कंजम्पशन को लो. एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ 1181 है, और वहीं अगर आप बात करते हो वर्ल्ड एवरेज की तो वो ऑन एन अराउंड 3260 है. तो अभी भी हम वर्ल्ड एवरेज से बहुत नीचे हैं. रीजन बहुत सिंपल था कि 2016 या 17 तक मैक्सिमम ऐसे विलेजेस थे इंडिया के जहां पावर जाता ही नहीं था. आप डिमांड तो छोड़ी दो, पावर जाता ही नहीं था, ना ही वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स थे, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का टावर था, ना कुछ था. तो अब चेंज क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल चेंज उन्होंने किया उसके इफेक्ट्स अब आने शुरू हुए हैं. अब धीरे धीरे ये इफेक्ट्स जो दिख रहा है, अभी गांव में बिजली जानी शुरू हुई है, अभी लोग वहां पे इक्विपमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, तो जो पावर कंजम्पशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है. अगर आप लास्ट 3-4 साल में देखोगे तो वो काफी बड़ा है. अगर आप देखोगे तो कहां वो 2000, अगर मैं 14 की बात करूं, 14-15 की, वो 1010 था, वहां से बढ़ के 1208 किलोवाट हो गया है. और जैसे अगर आप एक स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखोगे और इस डेटा को देखो कैसे कैसे चीजें बढ़ रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि अभी बहुत कुछ होना है यहाँ, चाहे वो रिन्यूएबल स्पेस हो, चाहे वो जो हार्डकोर ट्रेडिशनल ये हो, चाहे वो अदर एरिया, चाहे वो आप हाइड्रो पावर ले लो या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें आ रही हैं चीजें कि कैसे कैसे वो कर सकते हैं. और दूसरा कि गवर्नमेंट का जो ये है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनका जो पर्सपेक्टिव है इस सेक्टर को लेके वो भी बहुत अच्छा है. और अगर बार बार वही है कि पावर कंजम्पशन अभी बहुत लो है हमारा, और जो स्ट्रक्चरल जो बैरियर्स थे उनको पहले अभी हमने ठीक किया, जो भी जो ट्रांसमिशन को लेके दिक्कतें थी, जो जो कंजम्पशन को लेके दिक्कतें थी, अभी हमने हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया. पहले तो सारे जितने भी विलेजेस थे, अब वहां ट्रांसमिशन के जो मेथड्स हैं उनको ठीक किया, फिर अब उसके बाद वो धीरे धीरे कंजम्पशन बूम ले रहा है. ये तो हो गया कि रिटेल पे, कि रिटेल जो है जैसे मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो हैं उनकी वजह से ये चेंज आ रहा है. दूसरा बहुत बड़ा चेंज है, अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है
अगर हम 3 3 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की ओर जाना चाहते हैं तो बिना पावर कंजम्पशन के कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो अगर कल के डेट में हमें दूसरा चाइना बनना है तो हमारा पावर कंजम्पशन यहाँ से 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम हो सकता है, और अगर 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम हो रहा है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी आपको ही पता है कौन होने वाला है और क्या होने वाला है। तो यही है, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं बात नहीं करता। तो ठीक है, यही है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है, आप एज अ ट्रेडिंग बेट भी और एज अ इन्वेस्टमेंट बेट भी इसको खेल सकते हैं। थैंक यू आदर्श सर आपका एक शॉर्ट व्यू देने के लिए। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे हमारे लिसनर्स से, तो जिन्हें भी क्वेश्चंस करना हो वो रिक्वेस्ट कीजिए हमारे स्पीकर्स के लिए, तो हम आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। जी विशाल जी बताइए क्या क्वेश्चन है। हेलो सर, तो एक और सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैम मेरी मैसेज रिक्वेस्ट में से सर ले लेता हूँ सर। वो क्वेश्चन आया हुआ है सर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे, तो आई थिंक हमारे मार्केट साइंटिस्ट सर इसको अच्छे से कवर करते, तो सर आप इस पे सर क्या बताना चाहेंगे, आप क्या राय है सर, ये जो रशिया यूक्रेन चल रहा है तो इसमें सर आपको क्या लगता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है इतना लगता है, और ये चलेगा अभी थोड़ा और लंबा, छोटा मोटा नहीं है इतना। मतलब व्हाट यू नो पीपल आर थिंकिंग कि ठीक है थोड़ा टाइम आया था एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी या कुछ भी ऐसा कुछ। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको इतना बड़ा डिस्काउंट किया ही नहीं है। अब ये मान लो जैसे होता है ना कि मार्केट डिस्काउंट करे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और यू नो व्हाट वी गोइंग टू फेस, वो मार्केट ने डिस्काउंट किया ही नहीं अभी तक। तो मेरे हिसाब से अभी खत्म नहीं हुआ है, और शायद और चल सकता है ये ले। कितना लंबा चलेगा कह नहीं सकता हूँ, बट एस्केलेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई रेजोल्यूशन आता है इट विल बी ए गुड न्यूज। उस पर भी हो सकता है मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट ना करे बिकॉज डिस्काउंट ही नहीं हुआ है। बिकॉज इसका जो वर्स्ट इम्पैक्ट है, लोगों को लग रहा है कि यूक्रेन एक छोटी कंट्री है और अगर रशिया कुछ भी करेगा तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पता नहीं आएगा नहीं आएगा। बट मेरा मानना ये है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, इट्स अ मैटर ऑफ होल वर्ल्ड, राइट? व्हाई यू नो यूएसए इज इंटरवेनिंग इन दिस एंटायर थिंग, व्हाई यूरोपियन कंट्रीज आर इंटरवेनिंग इन दिस एंटायर थिंग, बिकॉज देर इज अ वेरी बिग थिंग और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू दिस इश्यू। तो इसको हल्के में नहीं लेना, मैं ये बोल सकता हूँ। इस पे वॉच रखिए, इस पे नजर रखिए। आपको लग रहा है कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज क्या होगा कि कोई कोई भी सडन कोई चीज होनी है। अब बोलते हैं ना कि दुनिया में लड़ाई होती है, ऐसा कुछ हो गया 2 4 दिन तो बॉटम भी तभी बन जाता है। तो हो सकता है कि वर्स्ट मार्केट गिर जाए लेकिन वो बॉटम भी तभी बना देगा, इतना मानना है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको थोड़ा सा 2 3 महीने ये सब डेवलपमेंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। और इनमें कुछ भी नेगेटिव डेवलपमेंट होता है या कुछ भी ये चीजें ईज ऑफ नहीं होती हैं तो शायद मार्केट हमेशा एक उस कंसर्न में रहेगा, राइट? और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है उसमें। बीइंग अ ट्रेडर तो क्या बोल सकते हो, ट्रेडर तो अब पूरा उसका राही है। एक कह सकते हो कि मोमेंटम का खेल है उसका। तो मोमेंटम चल रहा है हमारे मार्केट में तो उसे पैसा लगाना है, और नहीं चल रहा है उसको लग रहा है ईज ऑफ हो रहा है मोमेंटम तो थोड़ा दूर रहना है। बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है तो पैसा लगाना ही नहीं है, थोड़ा शांत बैठना है, वेट करना है कि कब मैं पुल बैक को प्ले करूं या कब मोमेंटम बनने शुरू हो तब मैं अपना पोजीशन लेना शुरू करूं। तो जियोपॉलिटिकली 2 3 महीना थोड़ा मेरे को लग रहा है कि टर्बुलेंट रहेगा। और अभी तो चाइना में अभी ओलंपिक गेम हुए नहीं है, वहां ओलंपिक गेम होने दो। अभी वो लोग नियो वेव का बात कर रहे हैं कि कुछ एक नियो वेव भी एक है जो नए टाइप का कोरोना है। तो पता नहीं अलग अलग बातें चल रही हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें सही हैं। बट मोटा मोटा चाइना में ओलंपिक होने के बाद शायद आपको कुछ और जियोपॉलिटिकल एक्शन देखने को मिल सकते हैं।
ओके सर 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 थैंक यू फॉर योर जियोपॉलिटिकल व्यू। तो सर अभी एक रिक्वेस्ट हमारे विशाल सर से आई हुई है। विशाल सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपको कुछ सवाल है तो सर पूछ लीजिए आप। तो सर नहीं तो सर अभी सर क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं है, सबने लगता है हमारे क्वेश्चंस कमेंट्स में ही सर कवर कर लिया है, तो मैं ये स्पेस को सर कंक्लूड करना चाहूंगा। हमने काफी अच्छे से हमने मार्केट व्यू डिस्कस किया, हमने हमारे प्री एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हमने हमारी कम्युनिटीज के बारे में बताया, हमने कॉस्मोफीड के बारे में हमने लोगों को बताया, और फिर हमने स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, एग्री थीम, फिर हमारा पीएलआई स्कीम्स और सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ डिस्कस किया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आवर स्पीकर्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू टू आवर लिसनर्स। आप ऐसे ही जुड़िए रहिए, हमारे कॉस्मोफीड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone. See you all in next few days with a very special space on budget. Right, stay connected on this community or on our community at Cosmofeet.